ये आपका B1 वेक्टर आ गया। फिर हमारा CB के बीच का एंगल बनाना है, तो C है हमारे पास 4 5, सॉरी -4 3, -6, और D है 2 9 2। तो ये B2 वेक्टर आ गया आपका 2 + 4 6i के +8k के। बस इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था, इसमें पूछा cos theta इक्वल टू B1 वेक्टर। तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो हमें B1 वेक्टर आ गया और B2 वेक्टर आ गया, दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सर सिक्स क्वेश्चन भी सर पूरा नहीं हुआ, सॉल्व इक्वेशन गलत बन रही है। इक्वेशन बनानी नहीं है, सिक्स वाले में क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, लाइन तो सही है। अरे बेटा सिक्स वाले में इक्वेशन बनानी क्यों है? सर वो k की वैल्यू निकालने के लिए। अरे k की वैल्यू आपका सिक्स वाले में B1 वेक्टर आ गया, आपका लाइन तो सही है, तो B1 वेक्टर आ गया -3i के +2kj के प्लस, और ये B2 वेक्टर आ गया GKi के +j k -5kk। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट करो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये आ गया -9k +2k -10k इक्वल टू 0, सॉरी -10 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया -7k इक्वल टू 10k की वैल्यू -10/7। क्या करा था कनेक्ट करा क्या, ये बता मुझे, मैं बता क्या कर दिया तेने इसकी जगह। मैं सर मैंने A2 -A1 वाला फॉर्मूला वो SD वाला लगा दिया, तो सर उसमें कुछ अलग ही आ रहा है। अरे तो वो तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बेटा, यहाँ तो आपको परपेंडिकुलर भी बना है। यस सर, तो सर फिर उसको 0 के इक्वल कर दिया था ना वो परपेंडिकुलर। अरे वो तो इसकी लेंथ के लिए होता है, परपेंडिकुलर के लिए थोड़ी होता है। अरे यार आप चीजों को समझे नहीं, यदि लाइंस परपेंडिकुलर है तो ओनली B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर 0 होगा, और लाइंस स्क्यू है और इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग अलग चीज होती है, परपेंडिकुलर अलग चीज होती है बेटा। इंटरसेक्टिंग है तब जाके उसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा, जो आपका SD है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। दोनों में तो बहुत अंतर है। अरे बोलना मैं सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम 20 उसको देख लो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा एक चीज और, मंडे से 12 से 1, मतलब मंडे से मैंने 12 से 1 आपकी डाउट क्लास के लिए फिक्स कर दिया, 12 से 1 जिसको भी जो डाउट है, यदि उस समय जो जो अवेलेबल रहता है जो पूछ सकता है वो 12 से 1 में डाउट पूछ सकता हूँ, चाहे ऑफलाइन आके चाहे ऑनलाइन आके 12 से 1। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको 12 बजे मतलब पहले ही बताना पड़ेगा कि आप इतनी बजे आओगे, नहीं तो यदि मैंने देखा कि 12:15 तक कोई नहीं आया तो फिर बंद कर दूंगा मैं, पूरे टाइम थोड़ी चालू रखूंगा मीटिंग। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इसी बजे आ रहा हूँ या इसी बजे फ्री हूँ, जो भी है। 12 से 1 डाउट क्लास रेगुलर मंडे से, उसके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, आज बना दूंगा, इसमें आपका एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है सर। हेलो सर, बहुत बेटा यदि नहीं आ रही तो तेरे में दिक्कत है ना, मेरे में थोड़ी दिक्कत है यार इसमें। बेटा तू उसको चेक कर तेरे कनेक्शंस को, बाकी सबको कोई दिक्कत है आवाज में? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -1। तो आर वेक्टर 1 2 -4, तो आर वेक्टर इक्वल टू i k +2j k -4 k k
प्लस लेमडा बी वैक्टर, कोई दिक्कत इसमें? ये हमारी इसकी वैक्टर इक्वेशन होगी, ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी। नाउ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब बेटा जो दोनों लाइन गिवन है वो आपको सही है लाइन, लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बी वन वेक्टर थ्री आई के माइनस सिक्सटीन जे के प्लस सेवन के के, और बी टू वेक्टर थ्री आई के प्लस एट जे के माइनस वन के। तो मुझे सिर्फ बी वेक्टर निकालना है। अब देखो क्या होता है, दो मेथड है भाई। एक तो यदि आपको वेक्टर से करना है तो जो बेटा पढ़ रहे हैं, यदि एक लाइन है जो दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो मुझे इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। देखो देखो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ ऑफलाइन वालों को, ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, पर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर। ये बी वन वैक्टर आ गया, ये बी टू वैक्टर आ गया। यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ये वाला वैक्टर मिलेगा, इसकी पैरेलल वैक्टर। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है, यदि मुझे ये दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर बी वैक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा यदि हम इससे करना चाहें तो? B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर से इक्वल होगा। दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, दोबारा समझा रहा हूँ बेटा जो ऑफलाइन है ऑनलाइन है उनको। ये देखो ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन डिग्री परपेंडिकुलर है, हाँ सर, और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। बोलो ये भी परपेंडिकुलर है? यस सर। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इन दोनों का यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, ये बी वन वैक्टर है ये बी टू वैक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे जो ये वाली लाइन है इस लाइन के पैरेलल वेक्टर मिलेगा। ये इस तरह से कौन सा वेक्टर मिल जाएगा मुझे? पैरेलल वेक्टर। इसलिए मैंने क्या लिखा, बी वैक्टर इक्वल टू बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर लिखा मैंने। इसलिए हमने बी वैक्टर इक्वल टू बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर लिखा। यदि आप इससे करना चाहते हैं, नहीं तो मैं कार्टेशियन से तो बता ही दूंगा जो कल बताया था। तो यहाँ से बी वेक्टर आ गया आपका, देखो बी वेक्टर इक्वल टू आई के जे के के थ्री माइनस सिक्सटीन सेवन थ्री एट माइनस फाइव आई के एट्टी माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस जे के माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी वन और प्लस के 24 प्लस 48, तो ये आ गया 24 आई के प्लस 36 जे के प्लस 72 के के, ये हमारा बी वेक्टर आ गया। बस इसको रख देना वहां पर ऊपर बी वेक्टर की जगह, ऊपर बी वेक्टर की जगह रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ये तरीका है भाई इसको, यदि आप वेक्टर मेथड से करते हैं। आया ये दोनों क्लियर है? अब यदि कार्टेशियन से कर रहे हैं तो कार्टेशियन से तो मैंने बताया था तुम्हें, उसको वेक्टर में लास्ट में चेंज कर देंगे अपन। पॉइंट क्या है बेटा, वन टू माइनस फोर देखना था, वन टू माइनस फोर, तो वन टू माइनस फोर। नाउ परपेंडिकुलर टू लाइन, पहली लाइन, पहली लाइन है आपकी x माइनस एट अपॉन थ्री, तो देयरफॉर थ्री ए माइनस सिक्सटीन बी प्लस सेवन सी इक्वल टू जीरो। पहली लाइन के dr और उसके dr का डॉट प्रोडक्ट। इस लाइन के dr क्या है? ए बी सी। लाइन के dr दे रखे हैं माइनस थ्री, थ्री माइनस सिक्सटीन सेवन, तो थ्री ए माइनस सिक्सटीन बी प्लस सेवन सी। क्लियर है? दूसरी लाइन भी परपेंडिकुलर है, उसके डीआर है थ्री एट माइनस फाइव, तो थ्री एट माइनस फाइव लिखना है आपको। ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब इसे एबीसी की वैल्यू निकालनी है आपको, वही आएगी जो निकाली थी इसे, ए अपॉन एट्टी माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस बी अपॉन माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी वन सी अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी एट। देख लीजिए वही तो वही आ गई,
यहाँ से आ गया ए अपॉन 36 बी अपॉन सॉरी ए अपॉन 24 बी अपॉन 36 सी अपॉन 30 बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही, जगह आ रही भी नहीं आ रही। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 सर। बोल सर, जो वो कॉन्सेप्ट था ना क्रॉस वाला, कौन सा जो आपने इससे पहले बताया था, वो क्रॉस वाला, क्रॉस प्रोडक्ट किया था जिसमें अपन ने। अब बेटा मैं यहाँ से कैसे दिखाऊँ, यही तो मैं तुमसे बोलता हूँ ना, यही तो चक्कर है ना। अब तेरे को पता भी पूरा करना है, लेकिन मैं यहाँ से कैसे बताऊँ, ये देख इधर मैं यही दिखा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। बेटा ये एक काम करना, ये लाइन की क्वेश्चन निकालनी तेरे को, ये दिख रहा है तेरे को बोर्ड पे दिख रहा है लाइन। अब ये लाइन जो है ये भी मेरी, ये वाली लाइन, ये भी इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर, बोला है कि नहीं? हाँ सर। और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन, ये लाइन है कि नहीं? ये भी परपेंडिकुलर। यस सर। अब ये दो लाइन आ गई आपकी, मैं दो लाइन को मैं यहाँ पर मान ली, इस लाइन को भूल जाना अभी, ये दो लाइन आ गई आपकी। हाँ सर। अब ये आपका B1 वेक्टर है और ये B2 वेक्टर है लाइन का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरह का हाँ। ये वाला वेक्टर सामने, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर इस लाइन के पैरेलल ही तो होगा, जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो उसका बी वेक्टर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थ्योरी देखना पड़ेगा ना, ये दिक्कत थी बस। बाकी अभी यहाँ पर होते हो आप क्लास में तो आराम से समझ में आता भाई, आपका कैमरा तो 2D दिखाएगा ना, कैमरा 3D कैसे दिखाएगा? हाँ वही वही तो प्रॉब्लम है, कैमरा 3D दिखा रहा होता तो बात है, अब यहाँ पर तो अपन को 3D दिख रहा है, यहाँ पर मैं इनको दिखा रहा हूँ तो साफ दिख रहा है, ये लाइन है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन की, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। अब ये दो वेक्टर आ गए आपके, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये वाला वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये इसके पैरेलल आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, चलिए ये तो हमारे लास्ट टॉपिक अब लाइन, लाइन का लास्ट टॉपिक, पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। जो उसने एक्चुअल में क्या है, पुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इमेज निकालने के लिए बोल रखा है प्लेन में, और बेटा इमेज तो बिना परपेंडिकुलर से तो निकलेगा नहीं, और परपेंडिकुलर एंगल से निकलेगा, ठीक है? इसलिए मुझे लाइन का और प्लेन का एंगल तो बताना ही पड़ेगा तुमको, और जबकि 6 मार्क्स में दे रखा है उसने और एंगल हटा रखा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है उसके बिना, वो डायरेक्ट कंसेप्ट को यूज कर रहा था, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। लाइन और प्लेन का एंगल नहीं देखेंगे, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकेंड, 30 जने हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33 चार जने उसके अंदर, दिखा नहीं होगी? एक और सर इशिता है तुझी आगे, कौन और एक कौन और कौन है? एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, लगा लेंगे पता। तीन का पता लगा। ओके तो लिखिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक लाइन का, लाइन का लास्ट टॉपिक,
बोला था मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन, हाँ एक ऐसी नहीं है, दिवांशी है क्या? दिवांशी क्योंकि वो भी नहीं होनी चाहिए, वो दोनों आने वाले थे, या तो दिवांशी भी नहीं, दिवांशी एसपी ये दोनों नहीं है, और तीसरी सिद्धि का ये तीन जन लिखिए। अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम कराऊंगा, इसमें कोई थ्योरी वोरी नहीं, आपको माइंड से समझना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट 0, 2, 3 on the line x plus 3 upon 5 equal to y minus 1 upon 2 equal to z plus 4 upon 3 equal to z plus 4 upon 3 also find the length of perpendicular. Also find the length of perpendicular. बेटा आप सब आ गए हैं तो एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो नई चीज मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, कुछ लोगों के फीडबैक लेके, 12 से 1 कल तो 11 से 1 आपकी रिविजन क्लास होगी मैट्रिक्स की, क्योंकि परसों संडे को टेस्ट में आएगा, 11 रिविजन क्लास होगी मैट्रिक्स की क्योंकि टेस्ट में आएगा। दूसरा मंडे से 12 से 1 आपके डाउट, कोई टॉपिक में डाउट, कोई टॉपिक दोबारा रिवाइज करना है, जो भी है वो प्योरली उसके लिए रखा गया है, जिसको भी जो लगता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक डाउट आपका बनाऊंगा, एक डाउट वाला व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप पहले से लिखेंगे, उसमें लिख देंगे तो फिर मैं आपको क्लास में, जैसे आपने लिख दिया 10 बजे तक आपने लिख दिया कि भाई मुझे ये डाउट है या मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो अपन उसको फिक्स करके कि भाई इसके डाउट सॉल्व होंगे, फिर मैं आपको लिख दूंगा कि भाई ये डाउट सॉल्व होंगे और ये चीज रिवाइज करूंगा, तो आपके लिए आपको भी क्लियर रहेगा कि हाँ आज ये वाला टॉपिक हमारा रिवाइज होगा। तो ये 12 से 1 की बात होगी, बस सुन लेना बेटा, ये तेरी वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो टॉपिक आपके डाउट आते जाए वो आप मेरे को लिखते जाओ, एक ग्रुप में अलग ग्रुप बनाऊंगा डाउट ग्रुप, उसमें अपने डाउट डालते जाओ या टॉपिक ग्रुप डाउट डालते जाओ, जो भी है, तो उसको अपन 12 से 1 में करेंगे, और 11 से 12 में तो आपका जो रिविजन क्लास है वो तो चलेगी, ठीक है। ये चलिए अब चालू करते हैं, बस अब बातें हो गई बहुत सारी, अब इसको देखते हैं। ये लिख लिया आपने, बिल्कुल कंसेप्ट क्या है ये समझे गए, ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है 0, और ये लाइन है x प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 4 अपॉन 3। मुझे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट निकालना है l। बेटा क्या मैं पॉइंट l को सपोज कर सकता हूँ? हाँ सर। कैसे करेंगे सपोज? सर x इक्वल्स लैम्बडा करेंगे, तो इक्वल टू लैम्बडा करके हम इसको सपोज कर सकते हैं, x y z की वैल्यू निकाल, तो x y z की वैल्यू निकाल देंगे। देखो लाइन x प्लस 3 अपॉन 5 y माइनस 1 अपॉन 2 z प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्बडा, तो x का वैल्यू आ गया 5 लैम्बडा माइनस 3, y का वैल्यू आ गया 2 लैम्बडा प्लस 1, और z का वैल्यू आ गया 3 लैम्बडा माइनस 3। ये हमारा x y z का वैल्यू आ गया,
है। यस कहाँ दिया नहीं, यहाँ पे नहीं। तो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। फाइव लैम्डा माइनस थ्री, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा माइनस, ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। लिख लीजिए यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा फाइव लैम्डा माइनस थ्री, थ्री टू लैम्डा प्लस वन और थ्री लैम्डा माइनस, ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। अब यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आने के बाद क्या मैं पीएल वेक्टर निकाल सकता हूँ? हाँ सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। पीएल वेक्टर कैसे निकलेगा? एल माइनस पी, एल पी होल स्क्वायर। हाँ, तो पीएल वेक्टर निकाल लिया हमने, पी एल वेक्टर, एल माइनस पी, फाइव लैम्डा माइनस थ्री जीरो, तो फाइव लैम्डा माइनस थ्री आई के, टू लैम्डा प्लस वन माइनस टू, तो टू लैम्डा माइनस वन जे के, और थ्री लैम्डा माइनस फोर माइनस थ्री, तो थ्री लैम्डा माइनस सेवन के, ये हमारा पी एल वेक्टर बन गया। दिस इज पी एल वेक्टर। क्या पी एल वेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं? हाँ सर, पी एल वेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर है, सब बोलते जाओ बेटा। हाँ सर, इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो। यस सर, यस सर। तो आप बोलोगे पी एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो देयरफॉर पी एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। पी एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई। पी एल वेक्टर है हमारे पास फाइव लैम्डा माइनस थ्री आई के प्लस टू लैम्डा माइनस वन जे के प्लस थ्री लैम्डा माइनस सेवन के के डॉट बी वेक्टर है बेटा आपके पास, ध्यान से देख लो, फाइव आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के के इक्वल टू जीरो। ये आपका पी एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है। यहाँ तो कोई दिक्कत? पी एल वेक्टर कैसा आया, बी वेक्टर कैसा आया, सबको समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो भाई, फाइव लैम्डा माइनस थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करो, ट्वेंटी फाइव लैम्डा माइनस फिफ्टीन, तो ट्वेंटी फाइव लैम्डा माइनस फिफ्टीन प्लस फोर लैम्डा माइनस टू प्लस नाइन लैम्डा माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया हमारा थर्टी एट लैम्डा माइनस थर्टी एट, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी वन, तो लैम्डा की वैल्यू वन आ गई, तो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एल में आप लैम्डा की वैल्यू वन लिख लो भाई। वन रखेंगे तो टू टू थ्री माइनस वन माइनस वन, ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया। टू थ्री माइनस वन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ तक लिख लीजिए, लिखो। तो ये हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया टू थ्री माइनस वन। और यदि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाता है तो कल इसका एक से दो में इसका भी रिवीजन होगा, जैसे तो कंप्लीट ही है, कुछ बचा नहीं है, तो कल एक स्टेट लाइन का भी रिवीजन करवा देंगे ताकि संडे की दिक्कत ही खत्म हो जाए, रिवीजन कल ही हो जाएगा अपनी टेस्ट का, सैटरडे की ऑफ है, मैं बाहर हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नहीं गया तो क्लास लूंगा, बता देंगे। मजा आ गया ना, मतलब तब तक अब छुट्टियों का वेट करता रहेगा बेटा। बेटा आपको तो पढ़ने लग गया यार, समझा कर बात को यार, कितना समझाएं तेरे को। सैटरडे ऑफ बेटा। अरुणव, अरुणव, अरुणव आवाज आ रही है? अरुणव, यस सर, यस सर। टेस्ट आपको क्लास में आके देना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए मैं कंपलसरी कर रहा हूँ टेस्ट क्लास में आने के लिए, तू भी है उसमें,
मुझे एक बात का जवाब दे, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 क्यों लिखा? हाँ? जब तेने टेस्ट दिया था तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 क्यों लिखा था? बुक में लिखा था इसलिए? भाई मैंने तो 18 दिया था, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट। पॉइंट द इमेज सर, डिस्टेंस भी निकालनी थी ना मेरे से। डिस्टेंस निकाल लेना यार, अब अगले वाले में बता दूंगा। हटा दी, क्या था वैसे पॉइंट? क्या था पी पॉइंट? क्या था हमारा? 2 3 माइनस वन और हमारा टू थ्री पॉइंट आया था 0 2 3 0 2 3 0 0 2 3 0 2 3। सर एल पॉइंट 2 3 माइनस वन था, एल था 2 3 उल्टा कर दिया। अब आपको पीएल निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 16 रूट 20 बनाएगी भाई, लिख लेना। डिस्टेंस पीएल वेक्टर या पीएल लेंथ आपकी रूट 20 बन जाएगी, ठीक है ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना आपको सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ इमेज ऑफ द पॉइंट। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3 ऑन द लाइन, ऑन द लाइन x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। ऑल्सो write the equation of line joining the given point and its image, and its image, and find the length of line segment joining the given point and its image, joining the given point and its image। बट ये लिख लेना क्योंकि ये मैं हटाऊंगा, एन इट्स इमेज, ये तो क्वेश्चन लिख लेना ताकि सॉल्यूशन हम कर लें। गिवन पॉइंट एन इट्स इमेज, 1, 6, 3 की इमेज निकालेंगे इस लाइन के अंदर, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इमेज इन द गिवन पॉइंट, और उसकी लेंथ भी निकालनी है। ये तीन काम करने होंगे। चलिए देखो, काम वही करना है जो पिछले वाले ने किया था, बिल्कुल वैसे वैसे करना। सर लाइन की इक्वेशन बताना, बता इक्वेशन ऑफ लाइन। एक्स अपॉन वन इक्वल टू y minus 2 upon 2 equal is to equal to z minus 2 upon 3 equal to lambda। So x की value lambda, y की value 2 lambda plus 2 और z की value 3 lambda plus 2।
तो ये पॉइंट एल आ गया हमारा, तो देयरफॉर कट ऑफ द परपेंडिकुलर एल बी लैम्डा टू लैम्डा प्लस टू और थ्री लैम्डा प्लस टू, लैम्डा टू लैम्डा प्लस टू और थ्री लैम्डा प्लस टू, ये हमारा कट ऑफ द परपेंडिकुलर एल आ गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को बोल लीजिए। सर एक चीज समझ में नहीं आई, इसमें लिखा है जो पॉइंट है वो ऑन दी लाइन है, ऑन दी लाइन मतलब इसमें लिखा है ना इस जगह ऑन द लाइन, मतलब लाइन के ऊपर इमेज निकालनी है, मतलब लाइन की इमेज निकालनी है। मैंने कब बोला पॉइंट ऑन द लाइन, मैंने गलत लिख लिया होगा। ठीक है सर, इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। अब आपका पी पॉइंट आ गया, एल पॉइंट आ गया। मैंने क्या बोला, पहला काम तो वही का वही करना है जो पिछले वाले ने किया था। हम निकालेंगे पी एल वेक्टर, पी एल वेक्टर। तो ये आ गया हमारा पी एल वेक्टर एल माइनस पी लैम्डा माइनस वन। बेटा ये डी आर भी बोल सकते हो, पी एल लाइन का, लाइन बोल लो वेक्टर बोल लो एक ही बात है। अब उसने इसलिए मना किया है कि भाई आपका लाइन की एंगल की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम वेक्टर से कर रहे हैं, वेक्टर का तो एंगल हमें पता है ही, इसलिए उसने लाइन का एंगल लगा दिया कुछ चक्कर। तो पी एल वैक्टर हो गया लेमडा माइनस वन आई के, इसमें से इसको सबसे करोगे तो टू लेमडा माइनस फोर जे के, और इसमें से इसको सबसे करोगे तो थ्री लेमडा माइनस वन के के, ये हमारा पीएल वेक्टर आ गया। दिस इज पीएल वेक्टर। नाउ पीएल वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, लाइन के डीआर। तो पीएल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1 2 और 3। अभी देखते हैं, पीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, so therefore PL vector dot B vector equal to zero, so ये आ गया lambda minus one I k, तब two lambda minus four j k, हाँ, ये equation of line y minus two upon two है क्या? Yes sir, शायद वन बोला था, एक बार दोबारा देख लेता हूँ, नहीं गलत सर बोला है मैंने, सर वन है, वन है, मैंने यही बोला था ना y minus 1 upon 2, ये बोला था ना, ये किसने बोला था बेटा y minus 2 upon 2? मैंने, मैं ऑनलाइन में बोला था। चलो अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, इससे ज्यादा होता तो फिर बिगड़ जाती, कोई बात नहीं, 2 lambda minus 5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्लस थ्री लेमडा माइनस वन के डॉट, ये आ गया आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के इक्वल टू जीरो। लेमडा माइनस वन प्लस फोर लेमडा माइनस टेन प्लस नाइन लेमडा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया आपका फोर्टीन लेमडा माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो। बोलो लेमडा की वैल्यू वन आ गई, लेमडा इक्वल टू वन, करेक्शन कर लेना बेटा, ये जो करेक्शन हुआ ठीक है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इससे करेक्शन हो जाएगा अभी तो, क्योंकि हमने ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। अब लेमडा इक्वल टू वन आ गया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया 135। अब बात करेंगे अपन इमेज की, इमेज बेटा जो आपका एम है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, और सॉरी एल इज द मिड पॉइंट ऑफ PM, PM, page M, X1, Y1, Z1, L is the midpoint of PM,
और यदि एल मिड पॉइंट है तो बेटा एक्स वन प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन, तो एक्स वन की वैल्यू वन आ गई। वाई वन प्लस सिक्स बाई टू इक्वल टू थ्री, तो वाई वन की वैल्यू जीरो आ गई। और जेड वन प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू फाइव, तो जेड वन की वैल्यू सेवन आ गई। तो व्हाट इज द इमेज, इमेज क्या हो गया हमारा 107। ये आपका इसका इमेज आ गया 107। दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये इस पॉइंट का इमेज आ गया 107। ना तो कोई डाउट? नो सर। तो इमेज आ गया आपका 107। तो देयरफॉर इमेज ऑफ द लाइन ऑफ लाइन 107। Now equation of line joining point, point क्या था भाई, किस point से निकाला था आपने? क्या था point? One क्या था? 163 135 and image 107। देखना इधर, x minus x1 upon 1 minus 1 0, y minus y1 upon 0 minus 3 minus 3, z minus 5 upon 2. This is the equation of line joining point 135 and 107. ये हमारी equation of line joining कौन सा है, 135 and 107। और ये distance भी निकालनी है, distance between point 135 and 107, ये दोनों चीजें निकालनी थी। तो डिस्टेंस इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 213 213 ये आपका पुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करें। एको करेंगे अभी इसी टाइप का, और ये चैप्टर मतलब ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट है, और कल इसका रिवीजन होगा। जितना अभी तक करवा दिया उसका रिवीजन कल होगा। मतलब आपको यदि किसी ने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया तो बिल्कुल पढ़ सकता है वो। सर ये इमेज वाले से एक बार वापस बता दीजिए। क्या बेटा? ये इमेज m x1 y1 z1 के बाद ये x1 plus 1 by 2, ये कैसा है? ये ऐसे आ गया, इधर देखना, आपका पॉइंट ये था 135, इसकी इमेज आपने मानी एक्स वन वाई वन दोनों, और ये आपका पुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया, कितना आया था? नहीं अरे यार कौन है यार, अरे हाँ तुम क्या करते हो यार, मेरे को है ना, मेरे को कुछ नहीं पता रहता है। तो तुम मंत्री भाई कैसे बोला था जॉइनिंग पॉइंट, पॉइंट क्या था दोबारा बोलो, सब गलत कर दिया इस बार मैंने नहीं बोला। क्या पता है यार, समझ में नहीं आता तुम जाने कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हो। या तो फिर मैं लिख के रखूंगा क्वेश्चन कि भाई है ना क्या है, कुछ भी गलत गलत कुछ भी बोल देते। x माइनस वन अपॉन वन माइनस वन जीरो, y माइनस सिक्स अपॉन जीरो माइनस सिक्स। बेटा पॉइंट और इमेज का हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पॉइंट तो आपका 163 था, ये तो उधर का परपेंडिकुलर है, वो तो बढ़िया हुआ उसने अभी पूछ लिया तो मेरा ध्यान चला गया। देखना आपको उधर ये भी गलत निकाल दिया, फिर डिस्टेंस आएगी आपकी 0, 36 और 60, रूट 52, रूट 52 मतलब 2 रूट 13, चेंज कर लेना भाई ये दोनों। हाँ इधर देखना बेटा चिराग। यस सर। ये 1 है और ये x1 है, ये क्या है इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1, आ गया समझ में? यस सर, यस सर। बस बाकी भी ऐसे ही है, चेंज करना बेटा ये इक्वेशन और डिस्टेंस। बेटा मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं क्वेश्चन मैं खुद है ना कहीं ऊपर लिख देता हूँ, ज्यादा बढ़िया है।
अरे चेंज क्यों कर दो यार, नहीं 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 हो गया ना वहां से करेक्शन हो गया, वो तो पूरा फिर तेरा इमेज गलत हो जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर गलत आ जाएगा यदि 135 कर देगा तो। अरे यही तो करेक्शन करना, तो मैं बोल रहा हूँ ना अगली बार से मैं ऊपर लिखूंगा ना क्वेश्चन तभी मेरे पास लिखा रहेगा। चलिए लास्ट कॉलम लिखिए सर। हाँ बोलो सर। सर ये जो मिड पॉइंट निकाला है वाई वन सर, वो भी तो चेंज होगा। कौन सा सर वाई वन? वो क्यों चेंज होगा, वो तो मैंने वहां तक तो सही किया था, मैं तो यहाँ पर जाके मैंने पूछा था किसी से सर वहां पे भी तो थ्री इक्वल टू थ्री रखा है तो सिक्स होगा ना। अरे आरतिक बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को, सुन तो ले, यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल जब मेरे पास क्वेश्चन था यहाँ तक तो दिख रहा था मुझे क्वेश्चन, यहाँ पर पॉइंट और इमेज का डिस्टेंस निकालना था बेटा। अब यहाँ क्या कुछ चेंज होगा, इधर पॉइंट क्या करा 163 और ये पॉइंट क्या आया तेरा इमेज के, ओ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आया 135। अब देख इधर x1 plus 1 by 2 equal to 1 सही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. 6 by 2 equal to 3 सही है? Yes sir. z1 plus 3 by 2 equal to 5 सही है? Yes sir. अरे यहाँ तक तो मुझे दिख रहा था पॉइंट, क्योंकि मेरे पास फिगर था, जैसे मैंने ये हटाया तो मैंने किसी से पूछा है पॉइंट क्या है, तो उसने 135 बोल दिया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जबकि मैंने पॉइंट पूछा था कि गिवन पॉइंट क्या है, इसलिए वो यहाँ का करेक्शन हुआ। ठीक है यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखो लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 06-9 एंड बी -3 -6 3 तो बी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ए कैपिटल डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमें पॉइंट सी, हमें पॉइंट सी ई है आपका 74-1 ऑन द लाइन ए बी, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। अब मैंने क्या बोला, मैं लिख लेता हूँ ज्यादा बढ़िया, ए 06-9 बी -3 -6 3 और सी 74-9। चलिए अब देखो ये क्या बोल रहा है ये समझना, क्वेश्चन लिख लिया सबने, चालू करते हैं। हाँ सर। यस सर। ये बोल रहा है हमसे ये दो पॉइंट से लाइन पास होगी ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है 06-9, बी के कोऑर्डिनेट है -3 -6 3 और ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट है 74-1 और इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है डी, ये बोल रहा है।
तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या होगी? x माइनस जीरो अपॉन माइनस थ्री, y माइनस सिक्स अपॉन माइनस ट्वेल्व और z प्लस नाइन अपॉन ट्वेल्व। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो नीचे, क्योंकि डी आर की बात है, लाइन की बात, अभी डी आर है नीचे, तो आप चाहो तो इसको माइनस थ्री से या थ्री से डिवाइड कर सकते हो। बोलो किससे करूँ? माइनस थ्री, माइनस थ्री से कर दिया भाई इसमें, चलो कोई बात नहीं। तो एक्स अपॉन वन फोर जेड प्लस नाइन अपॉन माइनस फोर इक्वल टू लैम्डा, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x का वैल्यू लैम्डा आ गया, y का वैल्यू, और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अलग नहीं आएगा। तो ये आपका लैम्डा फोर लैम्डा प्लस सिक्स और माइनस फोर लैम्डा माइनस नाइन, ये आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मान लेंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, यस सर। तो लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डी बी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी बी लैम्डा फोर लैम्डा प्लस सिक्स और माइनस फोर लैम्डा माइनस नाइन, ये लिख दिया मैंने, लैम्डा फोर लैम्डा प्लस सिक्स और माइनस फोर लैम्डा माइनस नाइन, ये हमने डी फोन लिख दिया। क्लियर है? Yes, sir. अब मैंने उसके बाद क्या बोला था, सीडी वेक्टर निकालूंगा मैं, जीरो सीडी वेक्टर, पहले सीडी वेक्टर से निकालोगे, जीरो तो बाद में करोगे, सीडी वेक्टर, सीडी वेक्टर आ गया हमारा लैम्डा माइनस सेवन आई के फोर लैम्डा प्लस टू जे के माइनस फोर लैम्डा। कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और मैं जो चीज देख रहा हूँ वो आपके वेक्टर में लिखने में क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया और या माइनस करने में, ये गलती बहुत ज्यादा होगी पहले वाले पे, वाले पे सबसे ज्यादा यही गलतियां होंगी। किसी ने माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, किसी ने डायरेक्ट कर दिया, तो वो चीज है इसलिए गलत हुई, और किसी ने डायरेक्ट कॉपी कर दिया। अब उसने कैसे किया मुझे पता नहीं है, मेरे को तो अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा। उस लोगों ने सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 15 लिख दिया जो क्लास में करवाया था, वो या तो वही ध्यान रह गया भाई, मैं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि सी डी वेक्टर, नाउ सी डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, तो देयरफॉर सी डी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू जीरो। CD वेक्टर है लैम्डा माइनस सेवन आई के प्लस फोर लैम्डा प्लस टू जे के प्लस माइनस फोर लैम्डा माइनस एट के के। अब बेटा ये डी वेक्टर, ये नीचे वाले लिखना, डी वेक्टर आई के प्लस फोर जे के माइनस फोर के के। तो किसी ने बोला कि सर मैं ऊपर वाला गलती से लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, लैम्डा की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने चाहे ये लिख दिया हो चाहे ये लिख दिया, क्योंकि वो तो कॉमन आएगा जो भी है। सर रिपीट करना एक बार, क्या बोला भी आपने? मैंने बोला कि तूने गलती से निकाल के यहाँ पर तो ये दिया, और लेकिन वो ये दिया तो ये दिया ले लिया तूने गलती से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही आएगा आंसर, लैम्डा की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, इससे जो आएगा उससे भी वही आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ से कॉमन होके जीरो, उससे फर्क क्या पड़ने वाला। तो ये आ गया लैम्डा माइनस सेवन 16 लैम्डा प्लस 8 और प्लस 16 लैम्डा प्लस 32, तो ये आ गया 33 लैम्डा और प्लस 33, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, तो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस वन टू माइनस फाइव माइनस फाइव, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया माइनस वन टू माइनस फाइव। बस अब मुझे सीडी कैसे निकालनी है,
अब मुझे सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन CD निकालना है, लिख लीजिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन CD निकालना। अब इस कंसेप्ट का एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आएगा जो आपको इस बार सैंपल पेपर में दे रखा है उसकी कंसेप्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन आता है हर बार। ये दो है, एक तो लाइन की इमेज, लाइन का पुट ऑफ द परपेंडिकुलर या प्लेन की इमेज, ये दोनों प्रॉब्लम पूछा जाता ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन CD, इक्वेशन ऑफ लाइन CD, सी ए आपका 7, 4, -1 और डी ए -3, -6, -3, तो एक्स -7/-3, -7, -10, ये भी -10 और जेड +1/4। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, -2 से डिवाइड करोगे तो 5, -2, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन CD। ये काम करना था भैया। अरे यार डी सर, डी पॉइंट तो कुछ और है ना। हाँ वो है -1, -2, -5 -1, -8 -2, -2, -4 -2 कॉमन ले लो 4, 1, 8 ये आपकी सीडी। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया और कल 1 घंटे में पूरा रिवाइज करवा दूंगा बेटा मैं, कल 1 आवर में पूरा रिवाइज हो जाएगा। 11 से 2 बजे तक लगातार क्लास है भाई तुम्हारी, जिसको जो भाई मैट्रिक्स में 11 से 1 इसलिए रखा है क्योंकि ये तो 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, इसमें नहीं है ज्यादा चीज, मैट्रिक्स में टाइम लगेगा इसलिए 11 से 1 तो मैट्रिक्स की रिवीजन क्लास है और 1 से 2 आपकी उसकी रिवीजन क्लास है।